Hey guys, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। विश्व टीबी दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 24 मार्च। आपको बता दें कि वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस का उद्देश्य टीबी को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसके रोकथाम करने से है। इस वर्ष की थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव्स लाइफ। अगला सवाल, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? सही जवाब है अभिषेक चटर्जी। तो आपको बता दें बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध अभिनेता अभिषेक चटर्जी का निधन हो गया है। उनकी उम्र मात्र 58 साल थी। आपको बता दें कि अभिषेक चटर्जी ने कई बंगाली फिल्मों में काम किया है। इसमें अमर प्रेम, मधुर मिलन, पोत बोला, ओरा चारजोन, बरीवली जैसी शानदार फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली टीवी पर खोरकुटू सीरियल के लिए भी वो जाने जाते हैं। उन्होंने मोहर पागुन बहु शोज में भी काम किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन, हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अगला सवाल, नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? सही जवाब है 65। तो आपको बता दें कि नासा ने पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की है। इस नई खोज के बाद अब तक खोजे गए ग्रहों की जो है कुल संख्या 5000 से अधिक हो गई है। इनमें से कुछ खोजे गए ग्रह पृथ्वी जैसे हैं। खगोलविदों के मुताबिक मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे अरबों ग्रहों का घर है और अंतरिक्ष में इतनी सारी आकाशगंगाएं मौजूद हैं। अगला सवाल, पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? बहुत आसान सा सवाल, सही जवाब उत्तराखंड। तो पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। उनके साथ 8 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन साल 2022 के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। उनका जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ के डीडी हाट तहसील के टुंडी गांव में हुआ था, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि हार के बावजूद उनको विधायक दल का नेता चुना गया है और अब अगले 6 महीने में उनको बायपोल इलेक्शन जीतना होगा, तभी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 400 अरब डॉलर। तो भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। वाणिज्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के 23 मार्च को जारी आंकड़ों के मुताबिक वस्तुओं का निर्यात 2021 और 22 में 21 मार्च तक 37% बढ़कर 400.8 अरब डॉलर पहुंच गया। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में ये 292 अरब डॉलर था। इससे पहले 2018 और 19 में निर्यात रिकॉर्ड 330.07 अरब डॉलर पर गया था। अगला सवाल, किस ब्रांड ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? सही जवाब है ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक।
तो आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में आईपीएल की फ्रेंचाइजी सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मिलकर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। इस कार्ड का नाम चेन्नई सुपर किंग्स आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड रखा गया है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि इसे सीएसके के फैंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। अब वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही जवाब है 23 मार्च। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य मौसम विज्ञान साथ ही साथ इसमें हो रहे परिवर्तन के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक मौसम विज्ञान संगठन है और जिसे 11 अक्टूबर 1947 को हुई संधि के बाद 23 मार्च 1950 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान या रूस। जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।